गुजरात में ड्रग्स माफियाओ वधु एक मोटी सर्जिकल स्ट्राइक करने पाकिस्तान षड्यंत्र पर्दाफाश करवामां आव्यो छे। मोरबी में एटीएसे 600 करोड़ रूपया की किमतना 120 किलो हेरोइन साथ त्रण शख्सों ने दबोची लीधा छे। शमशुद्दीन गुलाम हुसैन मुख्तार हुसैन की धरपकड़ करी होवानी माहिती गुजरात डीजीपी आशीष भाटियाए आपी छे। तो आ कामगीरी ने गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवीए पण बिरदावी छे। गुजरात ने बर्बाद करवा पाकिस्तान थी ड्रग्स मोकलवामां आव्युं हतुं। पाकिस्तान ना जाहिद बशीर बलूच पासेथी दरियाई मार्गे आ ड्रग्स मंगावामां आव्युं हतुं। ऑक्टोबर 2021 मत दरिये करोड़ोना ड्रग्स की डिलीवरी करवामां आवी अने जे बाद द्वारकाना दरिया किनारे ड्रग्स ने छुपावामां आव्युं हतुं। बाद में आ ड्रग्स सलायामां उतारिया बाद मोरबी लवायुं हतुं अने झिंझुड़ामां मुख्तारना काकाना घर में ड्रग्स छुपावामां आव्युं हतुं। डीजीपीए जणाव्युं के गुजरात में ड्रग्स घुसाड़वानुं कावतरुं दुबई में घड़ायुं हतुं, केम के गुलाम अने जब्बार अवारनवार दुबई जता हता, ज्यां दुबई में पाकिस्तानी ड्रग्स माफिया साथे संपर्क में तेओ आव्या हता। तो कई कई जगह पर अत्यारे ड्रग्स झड़पी पाड़वामां आव्युं अने तेमां सफलता एटीएसने मळी छे। ड्रग्स माफियाओ ने डाम 13-15 नवेम्बर रोज मोरबी में 600 करोड़ आजे जे ड्रग्स झड़पी पाड़वामां आव्युं छे। साथ साथ आ पहला द्वारका में 10 नवेम्बर रोज 350 करोड़ ड्रग्स जप्त कर 23 सप्टेम्बरे पोरबंदर दरिया किनारा में ड्रग्स झड़पी पाड़ 16 सप्टेम्बर रोज कच्छना मुंद्रा में 3000 करोड़ ड्रग्स है जप्त कर ड्रग्स पर आ सौ मोटी स्ट्राइक एटीएस संयुक्त पोलिस कामगिरी ने बिरदावी है। तो 2 महीना में 5,876 किलो ड्रग्स 845 करोड़ किमत है। सरेराश एक दिवस में 98 किलो ड्रग्स जप्त कर एटीएस ने आ सौथी मोटी सफलता मिली है। दरिया किनारा रस्तो पसंद कर ड्रग्स ने सगेवगे कर परंतु जे नाकाबंदी कर ड्रग्स माफियाओ पर एक सकंजो द्वारका दरिया किनारे ड्रग्स ने छुपा ड्रग्स सलायामां उतर्या बाद तेने मोरबी खाते लावामां आव्युं हतुं अने बे शख्सो के जेमने झड़पी पाड़वामां आव्या छे झिंझुड़ामां मुख्तारना काकाना घरे आ ड्रग्स छुपाव्यो हतुं। गुजरात पोलीसनुं मोटामां मोटुं सीजर जे छे ए थयुं छे। कुल 120 किलो हेरोइन पकड़ाई छे अने एनी किंमत इंटरनेशनल मार्केटमां 600 करोड़ रूपया थाय छे। तो ये मटेरियल जे छे हीरोइन पाकिस्तान थी आवी हती, तो IMBL पासे थी आ लोग लईने आव्या हता। अने आ जे मालिया मियाणाना जे गाम छे झिंझुड़ा एना त्यां शमसुद्दीन हुसैन मियाँ सैयद एना घर में रेड करवामां आवी तो आ 120 किलो हीरोइन मळी आवेल छे। हवे एमां जे कावतरा छे ए UAE में गणवामां आवेला अने त्यां आ सोमालियन कैंटीन छे ए जग्या उपर आ लोको विस्तार में बेसीने कावतरा कर्या हता। ऑक्टोबर 2021 में आ जे छे डिलीवरी लेवामां आवेल हती अने पहला सलायामां राखवामां आवेल हतुं अने पछी त्यांथी आ झिंझुड़ा गाँवमां शिफ्ट करवामां आवेल शमसुद्दीन ने राखवा माटे आपवामां आवेल हतुं। ओरिजिनली आ जे मटीरियल छे ए जाहिद बशीर में कीधुं जे पाकिस्तानी स्मगलर छे ए त्यां एफ्रिकन कंट्री में कोई में मोकलवानी प्लानिंग हती। पछी प्लानिंग चेन्ज थई अने आ बाजू इंडिया बाजू लईने आव्या अने डिलीवरी जे छे एना कोऑर्डिनेट्स वगैरह अवेलेबल छे क्यां डिलीवरी थई ए त्यांथी पछी सलाया लईने आवेला अने सलाया थी जे छे ए शिफ्ट थया झिंझुड़ा अने ए अत्यारे पकड़ाई गया छे। ए मुख्तार हुसैन में कीधुं जे नोटोरियस व्यक्ति छे ए पाकिस्तान मेरीन सिक्योरिटी एजेंसी ए वच्चे एमने एक वक्त पकड़ाया था पर पछी बोट कई खराब थई हती एम बतावीने पछी त्यांथी निकली गया था अने ए व्यक्ति नोटोरियस छे। अने आ रीते आ गुलाम भागड़ पण जे छे ये पण नोटोरियस व्यक्ति है एना इंटरनेशनल स्मगलर्स वगैरह साथ संपर्क है
એટલે હવે આ લોકોની ધરપકડ કરી રિમાન્ડ વગેરેની કાર્યવાહી થશે અને ફર્ધર પૂછપરછ જે છે આગળ થશે। तो ड्रग्स नो जे काळो कारोबार चाली रह्यो छे। 15 नवेम्बरे मोरबी में 600 करोड़ नू ड्रग्स आजे जे झड़पी पाड़वामां आव्यु छे। मोरबी खाते थी आ ड्रग्स झड़पायो छे, तेनो पर्दाफाश थयो छे। 10 नवेम्बरे द्वारका में 65 किलो ड्रग्स नो जत्थो झड़पी पाड़वामां आव्यो हतो अने 5 दिवस बाद मोरबी में थी आ ड्रग्स झड़पायो छे। तो आ पहला 10 नवेम्बरे सूरत में 5.85 लाख नू ड्रग्स झड़पायु हतु। अलग अलग जगहों पर थी आ ड्रग्स झड़पी पाड़वामां आव्यु छे। ड्रग्स पर जे स्ट्राइक छे, 24 ऑक्टोबर अमदावाद माथी 25 लाख नू ड्रग्स झड़पायु हतु। गुजरातना अलग अलग विस्तारों के ज्यांथी आ ड्रग्स झड़पी पाड़वामां सफलता एटीएस अने संयुक्त पोलीसने मळी। 12 ऑक्टोबर बनासकांठामांथी 170 ग्राम ड्रग्स झड़पी पाड़वामां आव्यु हतु। त्यारबाद 10मी ऑक्टोबर साबरकांठाथी 384 ग्राम एमडी ड्रग्स झड़पायु। बे शख्सोनी पण धरपकड़ करवामां आवी। तो ड्रग्स नो जे काळो कारोबार चाली रह्यो छे, फूलियो फालियो छे, तेना पर दाम। 27 सप्टेम्बरे बनासकांठामांथी 26 लाख नू ड्रग्स झड़पायु। 24 सप्टेम्बरे सूरत थी 19 लाख रूपियानू ड्रग्स झड़पी पाड़वामां आव्यु हतु अने तेमां सफलता मळी हती। अने त्यारबाद 23 सप्टेम्बरे पोरबंदरना दरियामांथी 150 करोड़ नू ड्रग्स जप्त करवामां आव्यु। आजे 6 महीना छे तेमां ड्रग्स अलग अलग जग्याओ परथी झड़पी पाड़वामां पोलीसने सफलता मळी। एटीएसनी जे टीम छे तेने सफलता प्राप्त थई छे। 16 सप्टेम्बरमां कच्छना मुंद्रामां 3000 करोड़ नू ड्रग्स झड़पायु। મોરબીથી ઝડપાયેલા ડ્રગ્સ અંગે કોંગ્રેસની પ્રતિક્રિયા સામે આવી। કોંગ્રેસના પ્રભારી રઘુ શર્માનું નિવેદન, ગુજરાતમાં સતત ડ્રગ્સ ઝડપાય છે તે ચિંતાનો વિષય છે। ડ્રગ્સ કોણ લાવે છે, ક્યાંથી આવે છે અને કોના માટે? ગુજરાતના યુવાનોને બરબાદ કરવા ડ્રગ્સ લવાય છે, રાજ્યની આર્થિક વ્યવસ્થાને બરબાદ કરવાનું ષડયંત્ર છે। ડ્રગ્સના દૂષણ અંગે ભાજપ સરકાર લોકોને જવાબ આપે। गुजरात में अगर लगातार ड्रग पकड़ी जा रही है तो इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, ये तो गुजरात सरकार को बताना चाहिए। ये ड्रग जो आ रही है कहाँ से आ रही है, कौन ला रहा है, किसके लिए ला रहा है? अगर ये ड्रग गुजरात के पूरे इलाकों में पहुंच गई, किसके भविष्य को बर्बाद करने वाली है? मैं समझता हूँ इससे बड़ी चिंता की बात गुजरात के लोगों के लिए नहीं होगी कि जिस प्रदेश की नई पीढ़ी, जिसने पूरी दुनिया में इकोनॉमी में हिस्सा बढ़ाया है, नाम रोशन किया है, उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए आप हेरोइन ला रहे हो, उसको बर्बाद करने की योजना है, ये कौन कर रहा है? और ये साफ होना चाहिए, गुजरात की जनता को, बीजेपी को बता।